तादाद को याद रखते हैं, जैसे आप भी किसी पर मौजूद हैं। कचहरी में खड़ी ये लड़की खड़ी है, सामने लोग बैठे हुए हैं, वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे हैं। मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, माँ और बीवी हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं घर हूँ, घर की तहजीब भी, मैं मकतब भी, किताब भी, नस्ले मेरी निगरानी में परवान चली, अवतार दारिस्वर सरकार ना सब मेरी गोद में खेले कूदे परवान चले, तो मेरी दुआ भी, मेरी सब प्राण भी। लेकिन नजर में क्या हूँ, एक हकीम सर कमजोर शख्सियत हूँ। मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ, मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। और वो हाथ चलो एक दिन ही निकला बैठ जाओ पापा का है हाथ से क्यों बैठा वो वही होने बैठे के बोला वो क्लब तो नहीं बैठे दिए ठंडा का ठंडा कानून ऑर्डर ऑर्डर बदने की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू लॉर्ड। खड़ी है लड़की आज ये सब मुकदमा लेकर आई है, जो अपनी नौकर का और आज का सबसे लोग मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अपराध में जान दे रही है, लेकिन इन्हें जान ही नहीं देना चाहती। इस लड़की का दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की की ये बात सही है, पूरा लाए आओ यार मार साहब बैठ जा दो। ए नहीं उठा लिया तो ए शादी जी मिलाड़ ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो अपना हक चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्या चाहती हो? और अपना मोहब्बत और कुर्बानी का नाम है, मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलाड़, मेरा कोई वकील नहीं। मैं अपने मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलाड़। करते हैं। ये तो सरासर गलत है, लड़की भी तो माँ बाप की खिदमत करती है, यही नहीं बल्कि वो घर के काम का
रथ है। थैंक यू लॉर्ड। और दूसरे अहमद खान जिसने इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम में पूरे जिले में नंबर सकती है और इन दोनों को अपने घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें प्राप्त थी। निकाह सुल्ताना अदालत में हाजिर हूँ। इस मुकद्दस किताब पढ़ना जरा कठिन था कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस निकास सुल्ताना, ये बात दुरुस्त है कि आप इस साल 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप की है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको सारी व्यवस्था फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी, जी बिल्कुल दी थी। लॉर्ड, इसे ये साबित हो जाता है कि हर हर वालिदैन अपने बच्चों की पूरी पूरी मदद करते हैं। इजाजत है। थैंक यू लॉर्ड। मिस निकाह सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? मिस निकाह सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? मिस निकाह सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। मेरी गुड वकील की बेटी मिस निकाह सुल्ताना, जिस साल आप बोर्ड एग्जाम दे रही थी उस साल आपका कोई भाई भी बोर्ड एग्जाम दे रहा था? जी हाँ। आप घर के कामकाज में अम्मी का हाथ बता दी थी? जी हाँ बता दी। और आपका भाई? अब सब लड़का कहाँ, लड़कियाँ लड़के के मैदान में आ गई आपकी छोड़ने के लिए? आप है लड़के को घरेलू कामकाज में हाथ बताने का नहीं? ऑर्डर ऑर्डर, आपके साथ आप अपनी बात जारी रखे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ तो आपका भाई भी कामकाज में हाथ बताता था? नहीं। फिर वो क्या करता था? वो अपना स्टडी करता था। आप स्टडी कैसे करते थे? पूरे घर का कामकाज करने के बाद में अपना स्टडी रात में करती। थैंक यू, मेरी बात आप जा सकती है। ब्लड, हमारे पास अभी साहब का भी काम है, वो ऑफिस है, उनके घरों में लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है तो आप घरों में क्या होगा? अभी सब लोग पांच वकील मेरे मैडम ने इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे आपसी मामले में दखलंदाजी ना करें। ऑर्डर, आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैं अहमद खान को कचहरी में बुलाना चाहती हूँ। अहमद खान अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर शर्त खाइए कि जो मैं कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अहमद खान के पास सही है कि आप इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप की है? जी हाँ। और ये भी सही है कि आपके वालिदैन ने आपको सारी व्यवस्था फराहम करके दी थी? जी हाँ बिल्कुल दी थी। लॉर्ड, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हर वालिदैन अपने बच्चों की पूरी पूरी मदद करते हैं। अहमद खान, क्या मैं सही हूँ कि आप बीएससी बोर्ड एग्जाम टॉप की हैं? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको सारी सहूलतें फराहम की थी? जी हाँ। अच्छा तो आप 12वीं के बाद क्या करना चाहती थी? मैं बनना चाहती थी, मगर मेरी वालिदैन ने कहा सारा पैसा तुम्हारे लिए खर्च हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ बीएससी कर ली, मुझे नौकरी पर नहीं दिया। मिलोर, मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए? इजाजत है। मिलोर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की अहमद खान को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने गरीबों की मुफलिस तालीबात के लिए मुख्तलिफ तालीम में पॉलिसी बनवाई है, जैसा कि मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस इंश्योरेंस के तहत तलबा तालिबान नौकरियां लग जाने के बाद इस कोर्स को अदा कर सकते हैं। इसके अलावा एमए बीएससी नीट में 700 से कम 250 नंबर आते हैं। यदि बीएससी करने वाली तालिबान कम से कम 250 नंबर आते हैं तो मेडिकल में दाखिला मिल सकता है, इसे मुफ्त में तालीम हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर कमिश्नर बन सकते हैं। क्या मेरा डाटा बनने का सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल पूरा हो सकता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मैं डाटा कर सकती हूँ। मैं ये सब चीजों से नवाकिफ थी, अब मैं इस बात को अपनी वालिदैन से बताऊंगी और
मजीद मुस्तहक बनाने के लिए आपके सामने मेरी पहली गवाह प्रोफेसर साइमा अंजुम को पेश करना चाहती हूँ, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। साइमा अंजुम अदालत में हाजिर हो। सलाम अलैकुम। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अब अजिया मैम कुछ ना आई, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपकी लड़की भी किसी लड़की से शादी नहीं हुई थी, आपने क्यों तोड़ दिया? मेरा बेटा एक डॉक्टर है, वो लड़की इस काबिल नहीं थी कि एक डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी, उसके वालिदैन आपका मुतालबा पूरा ना कर सके। अभी से मेरा लड़की मेरी के साथ कैसे कैसे क्या ताल्लुक है? ऑर्डर ऑर्डर जैसे स्टाफ आप अपनी बात जारी रखिए। थैंक यू लॉर्ड। और समाज में लड़िया को इतनी बेदारी पैदा की है कि वे अपने इज्जत का ख्याल रख सके, पर क्यों कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा इख्तियार नहीं कर सकती? आप इस औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए घर के बाहर जाकर काम कर सकती है, अपनी इज्जत से नहीं बल्कि अपनी सलाहियत से। सलाहियत है औरत में, सलाहियत क्या होती? उसका सारा काम कोई ना कोई मर्द अंजाम देता है। लॉर्ड, अगर आप में सलाहियत नहीं होती तो आज उसे किसी भी किसी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। और ये फिर आप भूलेगा कि साहब एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ओ हमारे का निकाल दे। पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अपनी नबियत का अनोखा मुकदमा है। अपनी हुकूकों के लिए लड़ना हर फराज का पैदाइशी हक है। लॉर्ड, अगर आप नहीं चाहिए तो मैं आपके सामने एक सबूत पेश करूं। इजाजत है। कुछ दिनों पहले हमारे अखबारों में भी छपी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी।